हेलो यूरियन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है कि मैं अपने इस चैनल पर समाज कार्य और सोशोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट डिस्कस करता हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है, जैसे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, चिल्ड्रन से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्कीम हैं, योजनाएं हैं, और ईद स्कीम के संबंधित महत्वपूर्ण जो थ्योरी हैं, बुक्स हैं, तो उन सब विभिन्न जो है टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वहां पर जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपने ये चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आऊँगा, और मेरा कि आज जो टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर, जो UGC नेट JRP एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऑथर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आ चुका है, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समाजशास्त्री चिंतक व उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, ठीक है? तो देखते हैं कि कौन से वो महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनकी पुस्तकें बार बार समाज कार्य और जो है समाजशास्त्र में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं वो हैं फर्डिनेंड एंटोनीज, ठीक है? तो फर्डिनेंड एंटोनीज जो हैं, इनकी एक पुस्तक जेमिन सॉफ्ट एंड जेजल सॉफ्ट, दोस्तों ये कई बार समाज कार्य में भी पूछी गई है और सोशोलॉजी में भी पूछा जाती है, मैचिंग में भी आ जाता है कि ये किसकी किससे संबंधित है। तो उसमें सीधे से आपको लगा देना है कि फर्डिनेंड एंटोनीज, जब आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये कई बार ही जो है पूछा गया है। दूसरी पुस्तक हमारी जो है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र दोनों में इनसे संबंधित थ्योरी, इनके सिद्धांत, किताबों के नाम जो है किसी न किसी फॉर्म में पूछे ही जाते हैं। तो इनकी जो है मैंने इनकी पुस्तकों पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इनकी महत्वपूर्ण किताब ली है कार्ल मार्क्स की, वो है ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लेखक हैं उनसे बात उन पर बात करूँगा, वो है प्लेटो, ठीक है दोस्तों? तो ये प्लेटो है, थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो ये प्लेटो है और प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक अक्सर विभिन्न एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है और सोशोलॉजी और सोशल वर्क से भी रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसे याद रखें, मैचिंग के फॉर्म में तो अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली पुस्तक है वो है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है सभी एग्जामों के लिए, विशेषकर सोशोलॉजी और UGC नेट JRF सोशल वर्क एग्जाम के लिए तो है ही। इसके बाद जो हमारी अगली पुस्तक है मैरिल एवं एल्ड्रिज द्वारा लिखित कल्चर एंड सोसाइटी, कौन सी? मैरी और एल्ड्रिज द्वारा लिखित कल्चर एंड सोसाइटी। दोस्तों समाज कार्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और सोशोलॉजी में भी पूछी जाती है, सोशल जो है वर्क में भी पूछी जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहा हूँ, और जब आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो आपको जो है आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद जो है समाज कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंतक हैं वो हैं CH कूले, ठीक है? इनकी कई पुस्तकें हैं और यहाँ पर जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, और इन्होंने इनके परिवार से के डिवीजन को भी पूछा जाता है, इन्होंने परिवार को से संबंधित बहुत सारी थ्योरी इन्होंने बताई हैं, और इन्होंने जो है दो प्रकार के समूह की बात की है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो CH कूले पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं समाज कार्य के, ठीक है दोस्तों? अब हम आगे देखते हैं, आगे जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो हैं GR मीड, कौन है? GR मीड।
तो जी आर मीड इनकी जो प्रसिद्ध किताब है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी कई बार पूछी गई ये किताब है, और ये समाज कार्य में भी पूछी जाती है और सोशोलॉजी में भी पूछी जाती है। तो अगर आप सोशोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं फिर भी महत्वपूर्ण है, और सोशल वर्क से कर रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं जो है अगली बुक पे चर्चा कर रहा हूँ वो है मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर की जितनी भी बुक्स हैं और इनके जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ भी से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक ली है वो है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, सोशोलॉजी में तो कई बार पूछी गई है, आप वीडियो से उठा के देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली पुस्तक है जो कि समनर द्वारा लिखी गई है वो है, समनर द्वारा लिखी गई फोल्क वेज। एक तो फोल्क वेज के बारे में समनर ने चर्चा की है, और दूसरी है द साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी, कभी कभी ये प्रश्न भी समाज कार्य में पूछा गया कि फोल्क वेज किससे संबंधित है, तो ये समनर से जो है संबंधित है क्योंकि समाज चिंतक हैं एक, और द साइंस ऑफ सोसाइटी भी इन्हीं की किताब है। इसके बाद किंग्सले डेविस ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी जब आप समाज कार्य और जो है सोशोलॉजी के प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कई बार पूछी गई है। तो ह्यूमन सोसाइटी जो कि किंग्सले डेविस द्वारा लिखी गई है, और इसके बाद शमनर द्वारा फोल्क वेज शब्द, मैक्स वेबर की द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, और जी आर मीड का माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक, सी एच कोले की सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक, और इसके अलावा मैरिड एवेलरिज की कल्चर एंड सोसाइटी, चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्लेटो की द रिपब्लिक, और इसके अलावा प्लेटो की द रिपब्लिक और कार्ल मार्क्स की ए क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फर्डिनेंड एवं टानिस की जेमिन सेफ्ट एंड जेसल सर्व्ड। तो दोस्तों ये जो है महत्वपूर्ण लगभग 10 पुस्तकें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सारी की सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब आप प्रिय से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग अपवाद में एक दो को तो नहीं कह सकता मैं, नहीं लगभग सारी की सारी किताबें पूछी जा चुकी हैं। तो क्योंकि आजकल सोशोलॉजी और सोशल वर्क में तो ट्रेंड हो गया है कि किताबों के नाम तो बहुत पूछे जा रहे हैं, और चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं लेखकों के और चार किताबों के, ये पूछा जाता है कि कौन किताब किसकी है, मैच करना होता है। तो आप अगर पहले से तैयार करके रखेंगे तो मैच करना आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और आप इन किताबों को जो है एक दो बार देखें, पढ़ें, और जो आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता है आप नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हों, और इसके अलावा भी अपने व्यू दें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अगर आप उन्होंने उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी देखिए। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।